का है वैसे तो गया नहीं गया लेकिन तो आज क्लास में क्या क्या करना है आप प्लानिंग कर लो क्या क्या करना इन द सब्जेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आज हम लोग एडिसिव बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। ये एडिसिव बॉन्डिंग का ये देखिए टिपिकल स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं पहले आपको आपको यहां पे दिखा रहा हूं। ये एडिसिव बॉन्डिंग का एडिसिव ज्वाइंट्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये ऑटोमेटिक ब्रेक लाइनिंग है जो आपको एडिसिव बॉन्डिंग से आपको बना हुआ है और ये होनीकॉम पैनल स्ट्रक्चर है जो आपको एडिसिव बॉन्डिंग से आपको बना हुआ है ना। देखिए फेस बॉन्डेड एडिसिव यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये आपको फेस शीट है, ये फेस शीट बॉन्डेड एडिसिव आपको दिखाया जा रहा है, नॉट बॉन्डेड एडिसिव आपको दिखाया जा रहा है, कोर फॉयल आपको दिखाया जा रहा है और ये आपको फेस शीट दिखाया जा रहा है। तो एडिसिव बॉन्डिंग बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है और ये इसी के बारे में एडिसिव बॉन्डिंग के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। एडिसिव बॉन्डिंग पहले डिफिनेशन उसका जान ले। व्हाट इज द एडिसिव बॉन्डिंग? एडिसिव बॉन्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ द ज्वाइनिंग मटेरियल्स इन विच एन एडिसिव लिक्विड और सेमी सॉलिड मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द फाइन सरफेस ऑफ द वर्कपीस पार्ट एडहेरेंट टू बी ज्वाइन, है ना। ये एक एडिसिव को दो पार्ट के बीच में आपको रखा जाता है और ज्वाइंट बनाया जाता है। आइदर हीट और प्रेशर और बोथ आर अप्लाइड टू गेट द बॉन्डिंग। हीट भी अप्लाई किया जा सकता है और प्रेशर भी अप्लाई किया जा सकता है और दोनों ही हीट और प्रेशर एडिसिव बॉन्डिंग को
पाने के लिए अप्लाई किया जा सकता है ना। और थ्री एसेंशियल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द एडहेसिव जॉइंट्स। प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस, पहले आपको सरफेस प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देन एप्लीकेशन ऑफ द एडहेसिव ऑन द मेटिंग सरफेसेस। दूसरा स्टेप है एडहेसिव को मेटिंग सरफेस में आपको लगाना है। और तीसरा आपको स्टेप है असेंबली ऑफ द वर्कपीस पार्ट्स एंड क्यूरिंग द जॉइंट। एंड तीसरे स्टेप में आपको वर्कपीस को असेंबल करना है, है ना। ये तीन स्टेप आपको एडीसी बॉन्डिंग में आपको होता है ना। एडीसी बॉन्डिंग का डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। इसमें एडिसिप्स लगाया जाता है जो कि लिक्विड और सेमी लिक्विड स्टेट मटेरियल आपको दो सरफेस के बीच में आपको प्लेस किया जाता है। और आइदर हिट और प्रेशर और बोथ आर अप्लाइड टू गेट द बॉन्डिंग। या तो हिट अप्लाई करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे या दोनों अप्लाई करेंगे आपको 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 बॉन्डिंग में, है ना। प्रिपेयरिंग द सरफेसेस, है ना। पहला आपको स्टेज था प्रिपेयरिंग द सरफेसेस। द वर्कपीस सरफेस आर क्लीन्ड बाय द केमिकल इचिंग। केमिकल इचिंग में या मैकेनिकल एब्रेशन से सरफेस को पहले क्लीन करते हैं। ग्राइंडिंग, फाइलिंग, वायर ब्रशिंग, सैंडिंग एंड एब्रेसिव ब्लास्टिंग आर सम ऑफ द मैकेनिकल क्लीनिंग मेथड्स, है ना। एब्रेसिव ब्लास्टिंग बहुत ही अच्छा क्लीनिंग मेथड है। इसका मैंने पहले प्रोजेक्ट भी कराया हुआ है और बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। आपको कास्टिंग का कास्टिंग में आपको यूज होता है एब्रेसिव ब्लास्टिंग। ये आपको किसी सरफेस को क्लीन करने के आपको बहुत अच्छा, आप इस पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट द सरफेस प्रिपेयर कीजिए एंड टेस्टेड बाय द अफर्मिटी बाय द वाटर। इट इज कॉल्ड वाटर ब्रेक टेस्ट, है ना। आपको प्रिपेयरिंग ऑफ द सरफेस पहले करना है। देन यू हैव टू अप्लाई द एप्लीकेशन ऑफ द एडहेसिव टू द सरफेस। दूसरा स्टेप में आपको एडहेसिव सरफेस पे लगाना है। एडहेसिव्स आर अप्लाइड ऑन द वर्कपीस सरफेस बाय द हैंड ब्रशिंग। हैंड ब्रशिंग से आपको लगाना है या फिर स्प्रेइंग करना है या रोलर कास्टिंग करना है या फिर नाइफ कोटिंग करना है या आपको 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 डिपिंग करना है। दे आर अप्लाइड ऑन द सीट और टाइप ऑफ द कोटिंग टू द सरफेस। द एडहेसिव आर एदर अप्लाइड एज द वन थिक लेयर ऑन द वर्कपीस सरफेस और एज द थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द बोथ वर्कपीस। पहले एक सरफेस में लगा सकते हैं या दोनों सरफेस में लगा सकते हैं। और ये एडहेसिव्स आपको आपको लगाया जाता है। और तीसरा स्टेज है असेंबली ऑफ द वर्कपीस। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द एडहेसिव्स द वर्कपीस आर असेंबल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ द क्लैंप। क्लैंप लगा करके दोनों को, दोनों सरफेस को ज्वाइंट बना देते हैं। डिफरेंट टाइप का टूल यूज करके, फिक्सर्स यूज करके, टेक वेल्डिंग करके दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। बड़ा बड़ा पार्ट्स एडीसी बॉन्डिंग का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया एडीसी बॉन्डिंग का। ये काफी आपको एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है इंडस्ट्री में, है ना। ड्यूरिंग असेंबली प्रोसेस सफिशियंट केयर शुड बी टेकन टू द एडीसी नॉट एक्सीड द पार्ट्स आर देयर, है ना। तो ये आपको एडीसी बॉन्डिंग का आपको आपको ये है। उसके बाद क्यूरिंग द ज्वाइंट। ज्वाइंट कंप्लीट हो जाने के बाद क्यूरिंग इज द प्रोसेस व्हिच एन एडहेसिव चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड। द क्यूरिंग ऑफ एडहेसिव परफॉर्म्ड विद द प्रेशर एंड आइदर हीट और एडिशन ऑफ द सूटेबल कैटालिस्ट। जो आपको एडहेसिव्स है उसको आपको हटाया जाता है ना। ये आपको एडहेसिव्स आपको ज्वाइंट है और एडहेसिव बॉन्डिंग है। इसमें कितने तरह के एडहेसिव्स होते हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। एडहेसिव्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप्स। एक तो स्ट्रक्चरल एडहेसिव्स है, स्ट्रक्चरल एडहेसिव्स। दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल एडहेसिव्स। दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल एडहेसिव। स्ट्रक्चरल एडहेसिव्स में आपको हैविंग हेड, हैविंग हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, आपको स्ट्रक्चर का आपको कैपेसिटी होता है, उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है एडहेसिव्स में, तो उसको स्ट्रक्चरल एडहेसिव्स कहते हैं, है ना। और दूसरा जिसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं होता है उसको नॉन स्ट्रक्चरल
एडिसिव्स आपको का आपको कहते हैं, स्ट्रक्चरल एडिसिव्स में आपको थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग जो ग्रुप है उसको यूज किया जाता है। इसमें आपको दिखाया जा रहा है कौन कौन सा आपको जो है, देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ है कौन कौन सा एडिसिव्स हम लोग यूज करते हैं। मेलमिन फॉर्मल्डिहाइड, पॉली यूरेथेन्स, पॉलिस्टर्स, फिनोलिक रबर्स एंड नियोप्रिन रबर, फिनोलिक रेजिन, है ना, ये सारे एडिसिव्स आपको स्ट्रक्चरल एडिसिव्स हैं, है ना, ये आपको स्ट्रक्चरल एडिसिव्स हैं जो कि बहुत ही मजबूत ज्वाइंट देते हैं और आपको हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी का आपको जो है आपको आपको उसमें दिया जाता है, है ना। तो ये आपको स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन के लिए आपको यूज किया जाता है। आप पॉलीविनाइल एसीटेन इज आल्सो यूज्ड टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द मेटल्स। पॉलीविनाइल एसीटेट आपको मेटल के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, है ना। ये बिल्कुल जो एडिसिव्स है ना, ये एक तरह से फेविकॉल का मजबूत ज्वाइंट जो है ना वो आपको देता है, ये आपको मजबूत ज्वाइंट आपको आपको देता है। और ग्लास और पोरस मटेरियल, किसी तरह का पोरस मटेरियल में आपको ये आपको यूज कर सकते हैं। द थर्मोसेटिंग एडिसिव्स यूजुअली गॉट सेप्टर एट द हायर टेम्परेचर, है ना। ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द थर्मोसेटिक एडिसिव्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। फेनोलिक रीजन है एंड एपॉक्सी रीजन है, है ना। ये आपको स्ट्रक्चरल एडिसिव्स है जो आपको बॉन्डिंग के लिए आप यूज करते हैं, है ना। ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द एडिसिव बॉन्डेड ज्वाइंट्स आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। एडिसिव बॉन्डिंग का आपको एडवांटेज आपको क्या है। पहला है फास्ट एंड चीप ज्वाइनिंग टेक्निक, बहुत ही फास्टर प्रोसेस है। दो सरफेस को लिया, दोनों के बीच में एडिसिव लगाया और दोनों ज्वाइंट हो गया। जैसे फेविकॉल का ज्वाइंट बिल्कुल मजबूत होता है, उसी तरह ये आपको ज्वाइंट हो गया। ये चीप ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ये आपको सस्ता ज्वाइनिंग प्रोसेस है। इसमें ना तो किसी इक्विपमेंट की लगाने की खरीदने की जरूरत है, ना तो आपको कुछ करने की जरूरत है, है ना। ये आपको सबसे सस्ता आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस है, है ना। और दूसरा एडवांटेज है, द एडहेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द हीट, हीट से भी आपको इफेक्टेड नहीं होता है। यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आप यूनिफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको यूनिफॉर्म कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी टू ज्वाइन लार्ज स्ट्रक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको अभी फिगर में दिखाया, कितना भी लार्ज स्ट्रक्चर है वो आप एडीसी बॉन्डिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है एबिलिटी टू ज्वाइन डिफरेंट मटेरियल, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से जब ज्वाइन करना होगा तो वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो ये एडिसिव में बॉन्डिंग में ये फायदा है कि डिफरेंट मटेरियल का आपको जो सरफेस है वो आपको ज्वाइन हो जाएगा। पॉसिबिलिटी टू ज्वाइन वेरी थिन एडहेरेंट्स भी आपको इसमें ज्वाइन हो जाएगा एडिसिव बॉन्डिंग का, ये आपको आपको फायदा है। सबसे बड़ा फायदा देखिए, ये आपको गैस प्रूफ ज्वाइंट देता है, गैस आपको लीकेज नहीं कर गया और लिक्विड भी आपको लिक्विड टाइट ज्वाइंट देता है। तो आपको गैस जहां पर आपको यूज हो रहा है, गैस सिलेंडर में, गैस के कंटेनर में और ऑयल कंटेनर्स में आप इसको ज्वाइंट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये आपको एडवांटेज है एडीसी बॉन्डिंग का, है ना। नो क्रिसिव कोरोजन नहीं आता है, नो कॉन्टैक्ट कोरोजन इसमें आपको आता नहीं है। गुड डैम्पिंग प्रॉपर्टी होती है, हाई डायनेमिक स्ट्रेंथ होता है, ये आपको एडवांटेज आपको एडिसिव बॉन्डेड ज्वाइंट्स का वो आपको यहां पर आपको बताया गया है। दूसरा कुछ डिसएडवांटेज है, लिमिटेड स्टेबिलिटी टू हिट, जहां पर हीटिंग एलिमेंट आपको काम कर रहा है वहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एडिसिव्स आपको एडिसिव में काम नहीं करेगा। तो जहां पर हीट नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हीट का ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, वहां पर आप एडिसिव बॉन्डिंग यूज कीजिए।
है ना, ये आपको आपको लिमिटेशंस है। दूसरा हाई स्ट्रेंथ एडिसिव आर ऑफ बिटल, है ना, जो आपको एडिसिव्स है वो आपको ज्यादा लोड करने पे आपको बिटल हो जाता है ना। लॉन्ग टर्म यूज होने पे आपको उसकी प्रॉपर्टी एडिसिव्स की आपको चेंज हो जाती है, ये उसको आपको एडवांटेज है। दो साल में, चार साल में जो एडिसिव जो बॉन्ड आप लगाते हैं ना, लॉन्ग टर्म में आपको एडिसिव ज्वाइंट जो है चार साल में, पांच साल में, छह साल में आपको चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, आपको फिर से आपको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये दूसरा एडवांटेज है ना। और क्लीनिंग एंड सरफेस प्रिपरेशन ऑफ द एडेंट इज नेसेसरी। क्लीनिंग जितना अच्छा करेंगे, सरफेस प्रिपरेशन जितना अच्छा करेंगे, आपको एडिसिव बॉन्डिंग आपको उतना बेटर होगा। तो आपको क्लीनिंग एंड सरफेस प्रिपरेशन आपको जो है आपको करना आपको जरूरी है। और ये डिसएडवांटेज है कि आपको एडिसिव लगाने के बाद क्लैंपिंग डिवाइस आपको लगाना पड़ता है, फिक्चर आपको लगाना पड़ता है, ये जरूरी है ना। और डिफिकल्टी इन डिसेंबली ऑफ द ज्वाइंट पार्ट, जो पार्ट को ज्वाइन कर लिए उसको डिसअसेंबल करने में आपको सोचना पड़ेगा, जल्दी आपको डिसअसेंबल नहीं होगा, इसलिए पहले ज्वाइन करने के पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि हमें ज्वाइंट करना है कि नहीं करना है। ज्वाइंट करना है तो आप एडीसी बॉन्डिंग की तरफ जाइए, ये आपको जो है आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको एडीसी बॉन्डिंग का वो आपको बताया जा रहा था। एप्लीकेशंस ऑफ द एडीसी बॉन्डेड ज्वाइंट, देखिए कितने एप्लीकेशंस हैं, बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं एडीसी बॉन्डिंग के। मैं आपको यहां पर आपको फिगर भी आपको दिखाया था, ये आपको टिपिकल एप्लीकेशन है, होनीकॉम पैनल स्ट्रक्चर है ना। देखिए आपको यहाँ पर फेस शीट आपको बॉन्ड एडिसिव लगाया गया है, नॉन बॉन्ड एडिसिव लगाया गया है, होनीकॉम एक कोर है, ये फेस बॉन्ड एडिसिव यहाँ आपको लगाया गया है। कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आपको एडिसिव बॉन्डिंग से आपको रेडी कर दिया गया है। दूसरा ऑटोमेटिक ब्रेक लाइनिंग है, देखिए एडिसिव बॉन्डिंग से आपको तैयार कर दिया गया है ना। तो एडिसिव बॉन्डिंग का आपको बहुत ही अच्छा एप्लीकेशंस है, ये सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर आपको छह एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर आपको दिए गए हैं। बॉन्डिंग ऑफ द मेटल टू द नॉन मेटेरियल स्पेशली प्लास्टिक इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ द एडीसी बॉन्डिंग। किसी मेटल में और नॉन मेटल को ज्वाइन करना है तो एज ए एडीसी बॉन्डिंग आपको सबसे बेस्ट है। मेटल में आपको प्लास्टिक को ज्वाइन करना है, जैसे अभी कार में बहुत तरह के कार में आपको यूज किया जाता है, मेटल में प्लास्टिक का आपको जो है ज्वाइंट लगाया जाता है, तो आपको एडीसी बॉन्डिंग आपको बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल है ना। यूज्ड एन अल्टरनेटिव अनेटेड टू रिबेटिंग फॉर द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर। देखिए एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में आपको एडीसी बॉन्डिंग का आपको यूज किया जाता है, रिबेटिंग नहीं करके आपको एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में आपको एडीसी बॉन्डेड आपको अप्लाई किया जाता है ना। तीसरा आपको एप्लीकेशन है, वाइडली एप्लीकेबल इन द फास्टनिंग ऑफ द स्टीफनर टू द एयरक्राफ्ट स्किन। एयरक्राफ्ट स्किन में आपको इसको लगाया जाता है, इन असेंबलिंग होनीकॉम स्ट्रक्चर इन द एयरक्राफ्ट। ये आपको जो मैंने आपको फिगर दिखाया है, ये होनीकॉम स्ट्रक्चर एयरक्राफ्ट का ही आपको फिगर मैंने आपको आपको ये जो फिगर मैंने आपको दिखाया था ना, ये आपको होनीकॉम स्ट्रक्चर का ही एयरक्राफ्ट का ही फिगर है। एयरक्राफ्ट पैनल स्ट्रक्चर का आपको ये फिगर है जो कि आपको एडीसी बॉन्डिंग में आपको बनाया जाता है ना। यूजिंग एक्सटेंसिवली इन द फैब्रिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। एयरक्राफ्ट इंटरनल स्ट्रक्चर में बनाने में आपको काम आता है। प्रोवाइडिंग द स्मूथ सरफेस फॉर द सुपरसोनिक प्लेन। सुपरसोनिक प्लेन के भी में बनाने के लिए भी आपको इसका एडीसी बॉन्डिंग का आपको यूज किया जाता है। यूज इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आपको ये एडीसी बॉन्डिंग आपको यूज किया जाता है। फॉर अटैचिंग ब्रेक लाइनिंग टू द शू। ब्रेक लाइनिंग को शू में जोड़ने के लिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बैंड को जोड़ने के लिए, स्टिफनर्स को जोड़ने के लिए आपको इसको यूज किया जाता है ना। ये आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ही एप्लीकेशन में आपको ये आपको दिखाया था। ये आपको ऑटोमेटिक ब्रेक लाइनिंग है, ये फिगर में आपको दिखाया था, ये आपको
ऑटोमोबाइल का ही एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अदर एप्लीकेशन है फाइंडिंग एप्लीकेशन इन द फैब्रिकेशन ऑफ द रेलवे कोचेज, रेलवे का जो कोचेज है उसमें एडीसी बॉन्डिंग से आपको बहुत सारे पार्ट आपको चिपकाए जाते हैं, बोट्स में आपको बहुत सारे पार्ट आपको चिपकाए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में आपको बहुत सारे पार्ट आपको चिपकाए जाते हैं, स्टोरेज टैंक में आपको बहुत ज्यादा पार्ट्स आपको चिपकाए जाते हैं, माइक्रोवेव रिफ्लेक्टर में, आपका रेडार में आपको बहुत सारे पार्ट्स आपको चिपकाए जाते हैं, स्पेस कम्युनिकेशन में आपको बहुत सारे पार्ट्स आपको चिपकाए जाते हैं। ये आपको एप्लीकेशंस, ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एडीसी बॉन्डिंग का आपको यूज होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना, ये आपको एप्लीकेशंस के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। डिजाइन रिकमेंडेशन, ये जो डिजाइन रिकमेंडेशन है एडिसिव ज्वाइंट्स, ये आपको यहां पर फिर उसके बाद आपको बताया गया है ना, ये आपको डिजाइन असेंबली, आपको यहां पर फिगर में भी आपको डिजाइन असेंबली आपको समझाया गया है। ये आपको देखिए यहां से लोड अप्लाई करता है, ये आपको क्लिवेज है, ये आपको फिजिबल है ना, बेटर एंड प्रिफर्ड लोड है ना, ऑल टेंशन नो क्लिवेज, ये आपको वहां से आपको देखिए यहां से लोड अप्लाई करने के बाद भी आपको जो है आपको ये आपको डिजाइन रिकमेंडेशन है किस तरह का एडिसिव ज्वाइंट्स आपको होना चाहिए है ना। देखिए ये इस तरह का ज्वाइंट भी आपको फिजिबल है, यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे मोर क्लिवेज, इस तरह का ज्वाइंट भी आपको फिजिबल है, ये यहाँ पर लोड अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे, यहाँ बीच में आपको एडिसिव लगाया गया है ना, एडिसिव्स आपको यहाँ पर लगाया गया है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग मटेरियल आपको यहाँ पर आपको लगाया गया है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग मटेरियल आपको बीच में आपको लगाया गया है, थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल बीच में आपको यहाँ पर आपको लगाया गया है। इस तरह का ज्वाइंट आपका हो सकता है, इस तरह का ज्वाइंट अनस्ट्रेट लैप ज्वाइंट ये आपको हो सकता है, लैप ज्वाइंट स्ट्रेन इन द टेंशन ये आपको ज्वाइंट आपको हो सकता है, ये आपको हाई स्ट्रेस एरिया आपको ये फ्लेक्सिबल है, ये आपको इस तरह का ज्वाइंट आपको हो सकता है, और ये इस तरह का ज्वाइंट आपको हो सकता है। जो डिजाइन कंसीडरेशन है उसमें आपको यही बताया जा रहा है कि किस तरह का ज्वाइंट होगा, देखिए ये आपको पुअर परफॉर्मेंस देगा है ना, बेटर इन द टेंशन एंड पुअर इन बेंडिंग, ये आपको पुअर परफॉर्मेंस देगा, ये आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा, ये आपको बेटर येट देगा, डिजाइन कंसीडरेशन आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है, गुड इन द टेंशन बेंडिंग एंड द कॉस्ट मोर, एक्सेलेंट बट एक्सपेंसिव फ्लोर, ये आपको कितने तरह के ज्वाइंट बन सकते हैं एडिसिव ज्वाइंट्स में उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है, कितने तरह के एडिसिव ज्वाइंट्स आपको बन सकता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। दूसरा लैप ज्वाइंट है ना, लैप ज्वाइंट आपका बन सकता है, लैप ज्वाइंट डिजाइन आपको बन सकता है, वेवर्ड लैप ज्वाइंट आपको बन सकता है, जोगल लैप ज्वाइंट आपको बन सकता है ना, स्क्रैप ज्वाइंट ये आपको बन सकता है ना, हाफ लाइफ ज्वाइंट ये आपको बन सकता है, हाफ लाइफ ज्वाइंट ये आपको बन सकता है, स्ट्रैप लैप ज्वाइंट ये आपको बन सकता है, बैटर ज्वाइंट्स यहाँ पर आपको आपको बन सकता है, डबल लैप ज्वाइंट ये आपको बन सकता है ना, जितने तरह के ज्वाइंट्स आपको एडीसी बॉन्डिंग में है वो आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना, कॉर्नर ज्वाइंट डिजाइन ये आपको बन सकता है, लेकिन ये पुअर होगा इफ द कॉर्नर इज द स्टे, यहां पे आपने साफ लिखा हुआ है कि इस तरह के ज्वाइंट आपको पुअर होगा, बेटर आपको ये इस तरह का ज्वाइंट होगा, इसके बजाय आप इसको भाई इस तरह का ज्वाइंट बनाइए आपको बेटर होगा है ना, बेटर येट इस तरह का ज्वाइंट बनाइए इस ज्वाइंट के बदले में तो आपको ज्यादा बेटर होगा है ना, गुड इन द टेंशन एंड द बेंडिंग, ये ज्वाइंट आपको दिखाया गया है एडिसिव ज्वाइंट्स है ना, ये आपको गुड ज्वाइंट आपको दिखाया गया है, गुड ज्वाइंट फॉर द फ्लैट मेंबर ये आपको दिखाया गया है ना, गुड ज्वाइंट फॉर द फ्लैट मेंबर्स ये आपको आपको दिखाया गया है ना, एक्सेलेंट एक्सेलेंट ज्वाइंट्स आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। तो एडीसी बॉन्डिंग में किस तरह के ज्वाइंट्स बनते हैं
वो आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। रोड एंड ट्यूब ज्वाइंट डिजाइन, रोड एंड ट्यूब ज्वाइंट, ट्यूब का और रॉड का ज्वाइनिंग आपको यहां पे दिखाया गया है। गुड फॉर द रॉड्स इन द टेंशन कंप्रेशन एंड टेंशन इफ द एरिया इज लार्ज, पुअर इन द बेंडिंग, ये आपको दिखाया जा रहा है। दिस इज द गुड फॉर द रॉड्स, ये आपको दिखाया जा रहा है। गुड फॉर द रॉड्स, ये आपको दिखाया जा रहा है। गुड फॉर द रॉड्स, ये आपको दिखाया जा रहा है ना। गुड फॉर द रॉड्स और द ट्यूब्स, ये आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। दिस इज द गुड फॉर द रॉड्स एंड द ट्यूब्स, दिस इज द पुअर फॉर द ट्यूब्स, ये आपको दिखाया जा रहा है। दिस इज द गुड फॉर द रॉड्स एंड स्लोअर टू प्रोड्यूस, ये इस तरह का ज्वाइंट आप कर सकते हैं। गुड फॉर द ट्यूब्स इफ द वॉल थिकनेस परमिट्स मशीनिंग, है ना। ये कॉर्नर ज्वाइंट बनाते हैं तो इस तरह का ज्वाइंट एल्बो के साथ में बनाइए, आपको आपको बेटर आपको बनेगा। एल्बो के साथ में आप बनाइए, आपको बेटर बनेगा, है ना। तो ये सारे ज्वाइंट आपको यहां पर आपको बताया गया है और एडीसी भी मैन्युफैक्चरिंग के आपको यहाँ पर कुछ बुक्स के भी नाम दिए हुए हैं जो स्पेशली एडीसी इन मैन्युफैक्चरिंग में आपको स्कैम्बलर की बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, एडिसन एडीसिप, होमिक एंड सेलोमन की बुक है वो आप पढ़ सकते हैं जो सिर्फ एडीसी बॉन्डिंग के लिए आपको बुक आती है, ओनली फॉर द एडीसी बॉन्डिंग, ये आप पढ़ सकते हैं। हाउ विंग की होती है, सेलोमन की है और स्कैम्बर्ग की है, एडीसी इन मैन्युफैक्चरिंग, ये आप जो है पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये आपको एडीसी बॉन्डिंग था, एडीसी बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको आज क्लियर कराया और अब हम अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर से दोबारा हम जो है रिपीट कर देंगे। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट, यस सर, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट। मैं फिर से आपको बता देता हूं आपके जो अटेंडेंस हैं, मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। इसमें जो है कुछ बच्चे रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, उसका नाम है 29 शिवा और 27 संचित अरोड़ा, वो रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं। कुंदन कुमार जी 19, वो रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं। और रोल नंबर 8 अनुप कुमार जी, ये रेगुलर आपका क्लास नहीं कर रहे हैं। और अभिषेक राज जी रोल नंबर 3, है ना सर, कॉलेज छोड़ चुके हैं ये, किन्होंने छोड़ दिया है? अभिषेक सर कॉलेज छोड़ दिया, अभिषेक राज सर, अच्छा संचित अरोड़ा, अच्छा संचित अरोड़ा कह रहे हैं कि कॉलेज छोड़ दिया है, संचित अरोड़ा 27 ने कॉलेज छोड़ दिया है, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एडीसी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था और एडीसी बॉन्डिंग को देखिए, इसका पहले डिफिनेशन इसका देखिए, एडीसी बॉन्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मटेरियल्स, ये आपको जो मटेरियल ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, इन विच द एडीसिव या तो लिक्विड होगा
या सेमी सॉलिड स्टेट होगा, एडिसिव जो होगा, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द फेइंग सरफेस ऑफ द वर्कपीस पार्ट्स। ये आपको फेइंग सरफेस ऑफ द वर्कपीस ऑफ पार्ट्स टू बी ज्वाइंट के बीच में आपको एडिसिव बॉन्डिंग आपको लगाया जाता है ना, एडिसिव बॉन्डिंग आपको लगाया जाता है, और उसके बाद आइदर हिट और प्रेशर और बोथ आर अप्लाइड टू गेट द बॉन्डिंग। या तो हिट अप्लाई करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर दोनों अप्लाई करेंगे टू गेट द बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को पाने के लिए आपको एडीसी बॉन्डिंग के पाने के लिए ये अप्लाई करेंगे, एक सरफेस लेंगे उसके बीच में आप एडिसिव्स लगाएंगे, फिर दूसरा सरफेस लगा करके फिर क्लैंप करके एडिसिव ज्वाइंट्स आप बनाएंगे, है ना। तीन स्टेप्स आपको यहां पर आपको बताया गया है, ये तीन स्टेप्स होते हैं एडिसिव ज्वाइंट बनाने के। प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस, सरफेस को प्रिपेयर कीजिए, प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस, सरफेस को प्रिपेयर कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ द एडिसिव ऑन द मेटिंग सरफेस, सरफेस को प्रिपेयर करने के बाद मेटिंग सरफेस पे एडिसिव्स को लगाइए। एंड नंबर थर्ड, असेंबली ऑफ द वर्कपीस एंड पार्ट्स एंड द क्यूरिंग द ज्वाइंट। आप जो वर्कपीस को असेंबल कीजिए और फिर आपको ज्वाइंट को क्योर कीजिए, ये आपको तीन स्टेप्स है आपको एडीसी बॉन्डिंग में, है ना। तो पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग द सरफेस, सरफेस आपको प्रिपेयर करना है। इसमें आपको वर्कपीस का सरफेस आपको केमिकल इचिंग से क्लीन किया जाता है, केमिकल इचिंग से क्लीन करते हैं या फिर मैग्निकल एब्रेशन से आपको क्लीन करते हैं। सरफेस को क्लीन करना जरूरी है, जितना अच्छा सरफेस होगा एडिसिव बॉन्ड उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा बॉन्ड होगा, है ना। तो इसमें आप ग्राइंडिंग का यूज कर सकते हैं सरफेस को क्लीन करने के लिए, फाइलिंग कर सकते हैं, फिटिंग में जो फाइलिंग यूज किया जाता है उसको आप यूज कर सकते हैं, वायर ब्रशिंग आप यूज कर सकते हैं आपको सरफेस प्रिपरेशन के लिए, आप सैंड ब्लास्टिंग यूज कर सकते हैं, सैंड एंड एब्रेसिव ब्लास्टिंग यूज कर सकते हैं आप मैकेनिकल क्लीनिंग के लिए, है ना। सैंड एब्रेसिव ब्लास्टिंग का मैंने भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था कि उसमें चारों साइड से एब्रेसिव और द सैंड जो है कास्ट आयरन पे कास्टिंग का प्रोडक्ट पे गिरता है, बच्चे बनाए थे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। वो आपको क्लीन कर देता है, सरफेस को आपको क्लीन कर देता है, है ना। नेक्स्ट, द प्रिपेयर्ड सरफेस आर टेस्टेड बाय देयर एफिनिटी टू बी वेटेड बाय द वाटर। वाटर से चेक कर सकते हैं कि आपको सरफेस को चेक कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड वाटर ब्रेक टेस्ट, वाटर ब्रेक टेस्ट आप उसमें आप चेक कर सकते हैं, है ना। स्मूथ स्प्रेड वाटर इंडिकेशन दैट द सर्फेस इज केमिकली क्लीन एंड द कलेक्शन ऑफ ड्रॉपलेट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑयल फिल्म इन द सर्फेस, है ना। ये आपको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप में एप्लीकेशन ऑफ द एडिसिव टू द सर्फेस करते हैं, एडिसिव्स को लगाते हैं सर्फेस पे। एडिसिव्स आर अप्लाइड ऑन द वर्कपीस सर्फेस बाय द हैंड ब्रशिंग, हैंड ब्रशिंग से आपको लगाते हैं, स्प्रेइंग से लगाते हैं, रोलर कास्टिंग से लगाते हैं, नाइफ कोटिंग से लगाते हैं और डिपिंग से लगाते हैं, है ना। एडिसिव्स वहां सरफेस में आपको लगाते हैं। पहला मेथड है हैंड ब्रशिंग, हैंड ब्रश यूज करके उसके सरफेस पे आपको एडिसिव्स लगाते हैं। दूसरा है स्प्रे, कई तरह के स्प्रे मशीन्स भी आते हैं, ऑटोमेटिक भी आते हैं, मैनुअल भी आते हैं स्प्रे मशीन्स, स्प्रेइंग करके आपको सरफेस में आपको लगाते हैं। रोलर कास्टिंग से लगा सकते हैं, नाइफ कोटिंग से लगा सकते हैं, कोटिंग करके लगा सकते हैं, या फिर डिपिंग से आप एडिसिव लगा सकते हैं, है ना। दे आर अप्लाइड एज द सीट और द टेप टाइप कोटिंग ऑफ द सर्फेस, दे द एडिसिव्स आर आदर अप्लाइड एज वन थिक लेयर ऑन द वर्कपीस सर्फेस और ये थिन लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द बोथ वर्कपीस, है ना। ये आपको दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है असेंबली करना, दोनों सरफेस को ज्वाइंट को हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ ए क्लैंप, है ना, बाय मींस ए क्लैंप। जब फेविकॉल हम लोग लगाते हैं ना घर में,
तो वहां भी हम लोग देखते हैं कि उसको क्लैंप कर देते हैं, तो यहां भी वही प्रोसेस है, फेविकॉल लगाने का ही आपको प्रोसेस है, आपको क्लैंप कर देते हैं टूल से, टैक वेल्ड से और अदर फिक्चर से क्लैंप कर देते हैं, असेंबली कर देते हैं। ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसेस सफिशियंट केयर शुड बी टेकन सो दैट ओपन टाइम ऑफ द एडिसिव इज नॉट एक्सीडेड, द पार्ट्स आर पुट टुगेदर इन द प्रॉपर सिक्वेंस। प्रॉपर सिक्वेंस में पार्ट को रखना आपको जरूरी है ना, और ये आपको असेंबली ऑफ द वर्क पीस है। एंड द बॉन्डिंग इज परफॉर्म अंडर स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड पार्ट्स आर हेल्ड टुगेदर अंटिल क्योर। पार्ट को तब तक आपको रखा जाता है जब तक कि आपका हो नहीं जाता है, बॉन्डिंग हो नहीं जाता है तब तक आपको रखा जाता है ना। फिर क्योरिंग ऑफ द बॉन्ड, क्योरिंग इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द एडिसिव चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड टू द सॉलिड स्टेट, इसको क्योरिंग बोलते हैं, है ना। द क्योरिंग ऑफ द एडिसिव इज परफॉर्म विद द प्रेशर आइदर हीट और एडिशन ऑफ द सूटेबल कैटालिस्ट, उसको क्योरिंग बोलते हैं, है ना। प्रेशर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस ओवर द ज्वाइंट, यूनिफॉर्म प्रेशर आपको ज्वाइंट पे आपको देना है, है ना। क्योरिंग टेम्परेचर टाइम एंड प्रेशर कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट एडिसिव एंड एडिसिव कॉम्बिनेशन आर एल्सवेयर, आपको क्योरिंग टेम्परेचर टाइम और प्रेशर ये आपको हर एक एडिसिव के लिए अलग अलग हुआ, है ना। ये आपको प्रोसेस था। क्लासिफिकेशन ऑफ जो एडिसिव्स है, आपको दो तरह का आपको एडिसिव्स है, पहला है स्ट्रक्चरल एडिसिव्स, दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल एडिसिव्स। स्ट्रक्चरल एडिसिव्स आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर लोड कैरिंग कैपेसिटी है, जैसे मैंने आपको एप्लीकेशंस में बताया एयरक्राफ्ट बॉडी को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल बॉडी को ज्वाइन करने के लिए आपको यूज किया जाता है, कई एग्जांपल मैंने आपको बताया, फिगर भी दिखाया। ये स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है और काफी आपको सस्ता है ना। ये आपको ये जो स्ट्रक्चरल एडिसिव है ये आपको मोस्ट फेमस मंगल टू, आपको यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल एडिसिव्स आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कौन कौन सा एडिसिव्स आपको यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल एडिसिव्स आपको दो ग्रुप में बांटा गया है, थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग। द थर्मोप्लास्टिक एडिसिव्स गेट सफन एट द हायर टेम्परेचर, थर्मोप्लास्टिक आपको सॉफन हो जाता है हायर टेम्परेचर पर, है ना। द मोस्ट कॉमनली यूज थर्मोप्लास्टिक एडिसिव्स इंक्लूड द पॉलीमाइड्स, विनाइल्स एंड नॉन वल्कनाइजिंग नियोप्रेन रबर, ये आपको थर्मोप्लास्टिक एडिसिव्स है, है ना। थर्मोप्लास्टिक एडिसिव्स है। द विनाइल्स आर स्पेशली पॉपुलर एंड स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन, विनाइल्स को ज्यादा यूज करते हैं आपको स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में, आपको एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में, ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर में इसको ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोई विनाइल एसीटेट इज यूज फॉर फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द मेटल, ये आपको मेटल के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देता है आपको पोई विनाइल एसीटेट। ग्लास के साथ में, मेटल को ग्लास से जोड़िए, मेटल को प्लास्टिक से जोड़िए, मेटल को नॉन मेटल से जोड़िए, आपका एडीसी बॉन्डिंग आपको याद आएगा, एडीसी बॉन्डिंग से आप काम कर सकते हैं। पोरस मटेरियल को जोड़िए, आपके एडीसी बॉन्डिंग से जोड़ सकते हैं, है ना। एक तो आपको थर्मोप्लास्टिक एडिसिव था, दूसरा आपको थर्मोसेटिंग एडिसिव है ना। थर्मोसेटिंग एडिसिव डोंट गेट सॉफन एट द हायर टेम्परेचर, वंस दे हार्डन दीज एडिसिव कैन नॉट बी रिमेल्टेड एंड ब्रोकन ज्वाइंट कैन बी रिबॉन्डेड बाय द हीटिंग। थर्मोसेटिंग ज्वाइंट्स जब आपने बना लिया तो फिर वो आपको, आप उसको रिमेल्ट नहीं कर सकते हैं, आपको ये आपको टूटेगा नहीं। ये आपको फेनोलिक रेजिन रेजिन है और इपॉक्सी रेजिन है ना। ये फेनोलिक रेजिन एंड इपॉक्सी रेजिन है। फेनोलिक रेजिन रेजिन आर द बेस्ट बॉन्डिंग मटेरियल फॉर द वाटरप्रूफ प्लाईवुड, वाटरप्रूफ प्लाईवुड के लिए आपको फेनोलिक रेजिन सबसे अच्छा आपको मटेरियल है। इपॉक्सी रेजिन प्रोड्यूस द ज्वाइंट विद द हाई स्ट्रेंथ टफनेस एंड द केमिकल इनर्टनेस। इपॉक्सी रेजिन आपको अच्छा ज्वाइंट देता है एंड द लो श्रिंकेज ये आपको देता है ना। अदर थर्मोसेटिंग एडिसिव्स आर द मेलमिन फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीयुरेथेन्स, पॉलिस्टर्स, फेनोलिक रबर एंड द नियोप्रीन रबर, ये आपको देता है।
पॉलीयुरेथेन्स देता है, पॉलिस्टर्स देता है, फेनोलिक रबड़ देता है, न्यूप्रीन रबड़ है, ये आपको देता है ना, ये आपको थर्मोसेटिंग एडिसिव्स है। तो ये आपको एडिसिव्स के बारे में आपको बताया जा रहा है ना। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड मटेरियल्स कैन बी ज्वाइंट विद द एडिसिव बॉन्डिंग। कोई भी सॉलिड मटेरियल आपको एडिसिव बॉन्डिंग से ज्वाइन किया जा सकता है। ये देखिए इतना खूबसूरती है एडिसिव बॉन्डिंग प्रोसेस का। टेफ्लॉन पॉलीथिलीन एंड द प्रोपिलीन आर डिफिकल्ट टू ज्वाइन ड्यू टू द स्टिकिंग कम्युनेबिलिटी। ये आपको यहाँ पे बताया रहा, डिटेल लिस्ट ऑफ द एड्रेंट एंड सुपरेबल आर आपको रेफरेंसेस में आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना। फिर हमने एडवांटेज के बारे में आपको डिस्कस किया था। ये सारे एडवांटेजेज हैं। देखिए, ये फास्ट मेथड है। वेल्डिंग में टाइम लगेगा, ब्राजिंग में टाइम लगेगा, सोल्डरिंग में टाइम लगेगा। इसमें आप एडिसिव्स लगा दीजिए, सरफेस लगा दीजिए, क्लैम कर दीजिए, आपका आपका फास्ट मेथड है, फास्टेस्ट मेथड है और चीप मेथड है। इसमें कोई मशीन का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, एडिसिव को आपको लगाना है बस। ये आपको चीप मेथड है। एडहेरेंट आर नॉट इफेक्टेड बाय द हीट, हीट से आपको इफेक्टेड नहीं होता है। यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस आपको डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें। पॉसिबिलिटी टू ज्वाइन द लार्ज स्ट्रक्चर, ये लार्ज स्ट्रक्चर को ज्वाइनिंग में आपको हेल्प करता है। किसी भी लार्ज स्ट्रक्चर को, मैंने अभी आपको एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, आपको ज्वाइन, आप लार्ज स्ट्रक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। एबिलिटी टू ज्वाइन द डिफरेंट मटेरियल, किसी भी मटेरियल को, एक दूसरे मटेरियल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडीसी बॉन्डिंग, जहां पर एडीसी बॉन्डिंग से काम बन जाए ना, दूसरा आप ज्वाइनिंग प्रोसेस मत अडॉप्ट कीजिए। अगर एडीसी बॉन्डिंग से काम बन जाए तो आप उसी से काम कीजिए। पहला आप देखिए कि एडीसी से आपको ज्वाइंट हो रहा है नहीं हो रहा है। पॉसिबिलिटी टू ज्वाइन वेरी थिन एडहेरेंट, बहुत थिन एडहेरेंट जो है वेल्डिंग में आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आप एडीसी बॉन्डिंग से जो आप ज्वाइन कर लेंगे, गैस प्रूफ ज्वाइंट मिलेगा आपको, गैस का लीकेज नहीं मिलेगा इसमें। गैस कंटेनर आप बना सकते हैं, आपको गैस पाइपलाइन वगैरह बनाने में आपको ये आपको यूज हो सकता है। लिक्विड जो ऑयल का पाइपलाइन है, आप उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। वाटर विसल्स बनाने में आप इसको यूज कर सकते हैं, ये एडिसिव बॉन्डिंग को। नो क्रेसिव कोरोजन, नो कॉन्टैक्ट कोरोजन इज देयर, कोरोजन नहीं है उसमें, है ना। गुड डैम्पिंग प्रॉपर्टी है, हाई डायनेमिक स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा। आपको यहाँ पर आपको एडवांटेज आपको बताया गया है। कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, वो आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। लिमिटेड स्टेबिलिटी टू द हीट, जहां पर हीट का एप्लीकेशन है, बराबर हीटिंग होता है, वहां पर इसको मत अप्लाई कीजिए, है ना। एडिसिव्स आर ऑफन बिटल, एडिसिव जो है बिटल होता है, ये आप उसको मान के चलिए। ऑन लॉन्ग टर्म यूज में इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, 5-6 साल के बाद जो है इसका प्रॉपर्टी एडिसिव्स का आपको चेंज हो जाता है। ज्वाइंट थोड़ा ढील आपको ढीला पड़ जाएगा, आप उसको चेक करना पड़ेगा। एंड चौथा आपको लिमिटेशन है, क्लीनिंग एंड सरफेस प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। जितना अच्छा क्लीनिंग कीजिएगा, जितना अच्छा सरफेस प्रिपरेशन कीजिएगा, आपको एडीसी बॉन्डिंग आपको उतना बढ़िया होगा। क्लीनिंग सरफेस प्रिपरेशन के कई मेथड आपको यहां पर आपको बताए हुए हैं, ये आपको करना जरूरी है, तभी आपको एडीसी बॉन्डिंग होगा। और पांचवा लिमिटेशन है, क्लैंपिंग डिवाइसेस, आपको क्लैंप करना होगा, फिक्चर में आपको फिक्स करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। और अगला लिमिटेशन है, डिफिकल्ट डिसअसेंबली ऑफ द ज्वाइंट, आपको ये डिसअसेंबली आपको नहीं होगा ज्वाइंट का, उसमें आपको डिफिकल्ट है, आपको डिसअसेंबली आपको नहीं होगा, ये आपको थे। और कई एप्लीकेशंस मैं आपको यहां पर आपको दिखाया हूं, एप्लीकेशंस आपको मैंने आपको एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर का आपको यहां पर मैंने आपको एप्लीकेशंस मैं आपको दिखाया, कितना कॉम्प्लेक्स है ये। ऑटोमोबाइल पार्ट्स का एडीसी बॉन्डिंग से बनाया गया है, तो कई एप्लीकेशंस हैं। ये आपको 6 एप्लीकेशंस आपको यहां पर आपको दिखाए जा रहे हैं।
bonding metals to the non metal, especially plastic, is the major application of the adhesive bonding. Metal to non metal, especially the plastics, जो आपको कार में यूज होता है, मेटल को प्लास्टिक से आप जोड़ दीजिए, ये आपको अच्छा ज्वाइंट बनाता है।